हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने फेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं, लाइक डीप क्लीन कैसे कर सकते हैं घर पे। एंड काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है। डीप क्लीन करने से क्या होता है कि आपके जितने भी डस्ट वगैरह जम चुके हैं आपके फेस पे बहुत अच्छे से क्लीन होगा। आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन होगा। अगर आप मेकअप करती हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस को डीप क्लीन करें। इससे क्या होता है कि आपका जो भी बेस होता है वो अगर अच्छा रहेगा तो जो भी आप मेकअप कीजिएगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा एंड काफ़ी स्मूथ लगेगा एंड काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आप अपने फेस को ज़रूर क्लीन कीजिए डीप क्लीन, और काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड एक और चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि जो भी सेंसिटिव लोग हैं, लाइक जिनके भी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो जो भी मैं यहाँ पे प्रोसेस बताऊँगी उसको थोड़ा सा आप कम, मतलब ज़्यादा अपने फेस को नहीं रगड़िएगा एंड ऑल। सो ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और जिनके भी नॉर्मल स्किन है वो सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्लीन अप रूटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पसंद आए देन डू ट्राई इट आउट, एंड अब अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो सबसे पहला स्टेप है आपको करना है फेस वॉश। आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं या सोप यूज़ करते हैं उससे आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि जो भी धूल वगैरह है एंड जो भी है डस्ट वगैरह वो आपके फेस से अच्छे से क्लीन हो जाएगा, एंड जो भी हम लोग स्टेप करेंगे वो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इफेक्टिव वे से हो। इसी वजह से तो आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, और फेस वॉश करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। पहले आपको गीले स्किन पे फेस वॉश लेना है और उसको अच्छे से रब करना है एटलीस्ट 60 सेकेंड के लिए, मीन्स 1 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फेस वॉश को इतना टाइम दीजिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके आपके फेस पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पहले फेस वॉश कर लीजिए। मैं यहाँ पे खादी का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे भी यही यूज़ की हूँ। सो आपको फेस वॉश कर लेना है, एंड सेकेंड स्टेप है हमारा स्टीमिंग। स्टीमिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, एंड जो भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे वो बहुत अच्छे से हो सके, इसलिए मैं यहाँ पे स्टीम दे रही हूँ। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप स्टीमिंग छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके नॉर्मल स्किन है तो आप स्टीमिंग ज़रूर कीजिए। ये ज़्यादा बेटर होगा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। स्टीमिंग करने के लिए आपको गर्म पानी कर लेना है, एंड 4 to 5 मिनट्स के लिए आप अपने फेस को उसके सामने रखना है, सो दैट कि जो भी हॉट एयर है वो आपके फेस पे लगे एंड जितना भी पोर्स हो वो ओपन हो जाए, तो हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये करने के बाद आपको जो थर्ड स्टेप करना है वो है स्क्रब। आपको फेस बिल्कुल नहीं पोंछना है, वही गीले फेस पे आपको स्क्रब यूज़ करना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक की तरफ से बायो पपाया टैन रिमूविंग स्क्रब। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं इसे बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें यही यूज़ कर रही हूँ। आजकल मैं यही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक 200 का है, एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो कि हिमालय का भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ मामा अर्थ का हो सकता है, जो भी आपको ठीक ठाक लगे आप उस ब्रांड का स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब यूज़ करने का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जितने भी आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, एंड दूसरा कि ये आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जितने भी डर्ट वगैरह है या जितने भी फेस में गंदगी है वो बहुत अच्छे से निकल जाए, तो बहुत अच्छा होता है। तो आप स्क्रब ज़रूर कीजिए, और आप अपने फेस को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कीजिए स्क्रब करते टाइम, एंड यहाँ पे जो आपके नोज़ होते हैं एंड इस एरिया होता है जहाँ पे आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, वहाँ पे आपको ज़रूर अच्छे से रब करना है। एटलीस्ट आप 5 to 6 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रब कीजिए, अच्छे से रब कीजिए अपने फेस को, एंड इस एरिया में आपको अपवर्ड मोशन में स्क्रब करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब करने के बाद आपको इस स्क्रब को फेस पे ड्राई होने देना है, और जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तब आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है फेस पैक, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक के तरफ से बायो फ्रूट वाइटनिंग डीप पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूविंग स्क्रब। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है,
तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी DIY फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक ठाक लगे, लेकिन ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो और ये काफ़ी अच्छे से आपके टैन को रिमूव करता है एंड काफ़ी अच्छा ग्लो ऐड करता है आपके फेस पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेंसिटिव लोग जो भी हैं वो इसे मत यूज़ कीजिए, नहीं तो अगर आपके नॉर्मल स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रब करने के बाद अच्छे से अपने फेस को ड्राई कर लेना है, मतलब कोई भी कॉटन के टॉवल से उसको पोंछ लेना है एंड उसके बाद आपको ये फेस पैक लगाना है। आप अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए और इस एरिया आइज़ के पास छोड़ दीजिएगा। ये थोड़ा सा जलन काइंड ऑफ क्रिएट करता है, थोड़ा थोड़ा, बट उतना भी नहीं। सो और इसे आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स तक छोड़ना है, मतलब पूरा कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तब ही आपको इसे वॉश करना है। और अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है DIY फेस पैक। मैं यहाँ पे DIY फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पील ऑफ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, एवरयूथ का या खादी का, जो भी आपको ठीक ठाक लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो वो यूज़ कीजिए या फिर आप DIY फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। पहले पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ये DIY जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस DIY में आपको क्या करना है, आपको लेना है फ्रेश कर्ड। यहाँ पे फ्रेश कर्ड होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल हाफ स्पून आपको लेना है, हाफ स्पून से भी कम ले लीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फिर फैल जाता है और बहुत ही ज़्यादा रनी काइंड ऑफ टेक्स्चर का बनता है इसीलिए। आपको हाफ से भी कम लेना है कर्ड एंड उसके बाद आपको लेना है हाफ स्पून कॉफ़ी, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आप इसमें डाल सकते हैं 1 to 2 to 3 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपके स्किन के लिए। एंड अगर आपके स्किन में टैनिंग वगैरह है वो भी अच्छे से क्लीन करता है, एंड कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, आपके स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है। एंड कर्ड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है आपके स्किन के लिए, लाइक समर्स में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर आप इसको समर्स में ट्राई करने की सोच रहे हैं तो ये वाला जो DIY है उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद आपको पूरे फेस पे लगा लेना है और उसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स आपका लग सकता है, इसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप एक बार और फेस वॉश कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल स्किन है तो आप ऐसे ही वॉश कर सकते हैं, क्योंकि कर्ड में थोड़ा बहुत ऑयल होता है जो आपके स्किन को थोड़ा सा ऑयली बना देता है। तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। ये था ओवरऑल स्टेप जो आप यूज़ कर सकते हैं डीप क्लीन करने के लिए। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो स्किन को मॉइस्चराइज़ करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं या लाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी ये जो एलोवेरा है विश केयर का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 100% प्योर है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए और उसके बाद हो गया। ये था सारा स्टेप जो आपको फॉलो करना है। आप इस सारे स्टेप को वीक में एक बार फॉलो कर सकते हैं डीप क्लीन करने के लिए, एंड इससे आपका स्किन का टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आपके स्किन में टैनिंग है वो भी ठीक रहेगा, एंड बहुत ही अच्छा सा ग्लो ऐड करेगा आपके स्किन पे, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा रिजल्ट रहा। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जितने भी सेंसिटिव लोग हैं प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप अपने फेस को ज़्यादा रब मत कीजिएगा स्क्रब से, बहुत हल्का हल्का रब कर सकते हैं एंड आप
आप स्टीमिंग को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आपके स्किन में थोड़ा बहुत रेडनेस आ सकता है, तो ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एंड सेंसिटिव स्किन वाले लोग एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए वो ठीक रहे आपके स्किन के लिए। यहाँ पे आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, अगर रेडनेस हुआ, थोड़ा सा भी रेड वगैरह हुआ, तो आप उस प्रोडक्ट को मत यूज़ कीजिए। सो ये सारी चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है। जो भी सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। सो दैट्स ऑल, टिल देन बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।